वाटरफॉल्स, वाह है ना सुंदर, देखिए। बहते झरने की धुन और चिड़ियों की विचित्र आवाज के बीच ये एक अलग ही दुनिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मारमला वाटरफॉल्स, जो कि टीकॉय गांव में पड़ता है। ये केरल के कोट्टायम जिले में है। टीकॉय से 6 किलोमीटर की यात्रा है वाटरफॉल बेस तक, जहाँ पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। पार्किंग बेस से आगे की चढ़ाई लगभग 400 मीटर की है। सुरमई गांव से होता हुआ पथरीला रास्ता अपने आप में एक अलग ही अनुभव है, जहां दूर से बहता हुआ झरना आपको आकर्षित करेगा। रोमांच पसंद पर्यटक आधे रास्ते जीप द्वारा भी यहां आ सकते हैं और साथ ही ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। मारमला झरना वज़िकड़वु नदी का एक हिस्सा है, जो मीनांचल नदी की एक सहायक नदी है। मीनांचल नदी कोट्टायम के मध्य में बहती है और कुमरकम में वेम्बनाड झील पर समाप्त होती है। तो हम बस वाटरफॉल पहुंचने ही वाले हैं। मुझे दूर से झरना दिख रहा है और बहते हुए पानी की आवाज सुन के मुझे बहुत आनंदित महसूस हो रहा है। आगे जाके पानी में खेलने का पूरा भरपूर आनंद मैं लेने वाली हूँ। तो बस ये लीजिए, पहुंच गए हम मारमला वाटरफॉल्स। वाह, मारमला वाटरफॉल्स देखिए, 40 फीट की ऊंचाई से पानी गिर रहा है और नीचे जब ये नीचे आ जाता है तो ये 12 फीट गहरा तालाब यहाँ पे बनाता है। तो इसमें अगर आप जाएं तो कूदिएगा नहीं, सिर्फ पानी में खेलें। तो अब हम झरने के नजदीक जा रहे हैं, जहां से हमें पूरे झरने का पूरा दृश्य दिखाई देगा। वाह, ये अद्वितीय, अति सुंदर है, बहुत लुभावना है। आप देखिए और खुद महसूस कीजिए, है ना सुंदर, देखिए। और मेरी तरह अगर आप भी नजदीक से इस झरने का आनंद उठाना चाहते हैं तो मारमला वाटरफॉल्स आपका इंतजार कर रहा है। वाह, तो इस अति सुंदर और अति लुभावने दृश्य का फोटो तो बनता है। हालांकि इस साइट पर इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, लेकिन नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में बारिश के आधार पर जल का स्तर कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें। अगर तैरना नहीं आता हो तो कृपया पानी से दूर रहें और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का आनंद लें। तैरने और स्नान करने की कोशिश करें केवल यदि आप एक माहिर तैराक हैं, अथवा जोखिम मत लें। सावधानी के साथ आगे बढ़ें, चट्टानें फिसलन भरी हैं, अपने कदमों का ध्यान रखें। दिन के दौरान झरने पर जाएं और शाम होने से पहले वापस लौट आएं। दोस्तों, मैं आपको कुछ अनिवार्य सुझाव भी दे दूं। पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी और खाने की वस्तु रखें, क्योंकि आसपास कोई भोजनालय नहीं है। आसानी से चलने के लिए आरामदायक जूते पहनें। मीनांचल नदी को अरुंधति रॉय के बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में भी उल्लेख मिलता है। वैसे तो यह गंतव्य 365 दिन पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन जून से दिसंबर के बीच इस बहते झरने की छटा देखने लायक होती है। फिलहाल यहाँ कोई एंट्री पास नहीं है। नजदीकी रेलवे स्टेशन कोट्टायम रेलवे स्टेशन यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ से सड़क मार्ग द्वारा यहाँ तक पहुँचने में 1.5 घंटा लगता है। नजदीकी एयरपोर्ट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ से सड़क मार्ग द्वारा यहाँ पहुँचने में लगभग 2.5 घंटा लगता है। त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट सड़क मार्ग द्वारा यहाँ से 5 घंटे की दूरी पे है। स्वतंत्र पर्यटक कोट्टायम या फिर इराटुपेट्टा से बस ले सकते हैं, जो कि सीधा टीकॉय गांव छोड़ेंगे। तो झरने का आनंद लेने के बाद वेगामोन हिल स्टेशन पास ही है, और पास का शहर है इराटुपेट्टा, जो यहां से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों, मेरा ट्रैकिंग और झरने का आनंद अद्भुत और अद्वितीय था।
यदि आप भी आनंद लेना चाहते हैं तो जरूर पधारें मार्मला वॉटरफॉल्स।